नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इसके कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो आप लोग ये निर्देश पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। समय 3 घंटे, पूर्णांक 70 है, विज्ञान का है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। एक अंक का ये एमसीक्यू है, टोटल 20 एमसीक्यू है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अगला देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। पहले तो फोकस दूरी को मीटर में परिवर्तित करो, उसके बाद व्युत्क्रम निकालो, तो आपको 4 डायोप्टर मिलेगा, ठीक है ना। इनको सॉल्व कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को घर पर सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखो, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी यानी काल्पनिक भी बनता है। अगला देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, बैंगनी दिखाई देता है कि नीला दिखाई देता है कि काला दिखाई देता है कि सफ़ेद दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर चंद्रयान 3 जो गया होगा वो देखा होगा, ठीक है ना। अगला देखो, स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। अगला देखो, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया पर, आयरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो रेटिना पर बनता है, रेटिना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, लाल रंग के लिए। तो न्यूनतम की बात की गई है तो लाल रंग हो जाएगा और अधिकतम की बात की जाएगी तो बैंगनी रंग हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पर। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, श्वसन में हमारे शरीर में किस मुख्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, सुक्रोज का, ग्लूकोज का, स्टार्च का, सेलुलोज का। तो ग्लूकोज का होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने हैं तो मुख्यतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का, कि CO2 का, कि ऑक्सीजन का, कि नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। अगला देखो, संगमरमर पत्थर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ का नाम सूत्र लिखिए, CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, CaSO4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अगला देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है कि 3 होती है कि 2 होती है कि 1 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। अगला देखो, मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है, धावन सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्टिक पोटास, ठीक है ना, यानी KOH। इसका सूत्र क्या होता है, KOH होता है, ठीक है ना। अगला देखो, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है CH4, C2S4, C2S2, C2S6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH4, ठीक है ना। मेथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे निम्न में से कौन सा खाद्य बनाते हैं, ठीक है ना। ये टाइपराइटर की गलती है, प्रश्न छापने वाले की गलती है। यहाँ पर देखो, प्रोटीन होगा कि वसा होगा कि मंड होगा कि क्लोरोफिल होगा, तो मंड बनाते हैं, ठीक है ना। पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फिर उसका एक समय में पूरा यूज नहीं कर पाते, इसलिए उसको मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंड हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट दिया रहता तो कार्बोहाइड्रेट में हम टिक लगाते, ठीक है ना। देखो, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है यकृत है कि लार ग्रंथि है कि अमाशय है कि अग्न्याशय है। तो यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत्र कैसी होती है, छोटी होती है कि लंबी होती है कि मध्यम होती है कि नगण्य होती है। तो लंबी होती है। देखो, घास खाने वालों को घास पचाने के लिए ज़्यादा लंबी क्षुद्रांत की जरूरत होती है, जबकि मांस खाने वालों को छोटी आंत में ही सब कुछ पच जाता है। इसलिए मांस खाने वालों की बात की जाए तो यहाँ पर छोटी रहेगी, ठीक है ना। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, हीम की कि न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी की, पोटेशियम। तो हीम यानी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। तो आ नंबर इसका सही आंसर है। अगला देखो मित्रों, यहाँ पर वृद्धि हार्मोन है कौन सा, LH है कि ACTH है कि STH है कि FSH है। तो इसका सही आंसर STH हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी हड्डियों को भी विकसित करता है और हमारे पूरे शरीर को विकसित करने में काम करता है, इसी को विकास हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखो, पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है कि जिब्रेलिन होता है कि एब्सिलिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है कि एथिलीन होता है। तो पतझड़ से संबंधित एब्सिसिक अम्ल होता है, ठीक है ना, सा नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, मनुष्य के अग्न्याशय में निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट,
इंसुलिन, ऑक्सिन। तो इंसुलिन निर्मित होता है मनुष्य के अग्न्याशय में, ठीक है। अब देख लीजिएगा मित्रों वर्णनात्मक प्रश्न, मायोपिया दोष किसे कहते हैं, इसके कारण व निवारण भी बताइए चित्र सहित, ठीक है। 4 अंक का क्वेश्चन है। अगला देखो, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए, एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है। 4 अंक का। अगला देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी टिंडल प्रभाव समझाइए, 4 अंक का। अब देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न, मानव नेत्र के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए 6 अंक के, या फिर देखिए एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पर सॉल्व कराना मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना, इसका अलग से सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आपको पूरे का IUPAC नाम लिखना है, 4 अंक का। बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन आप मात्र एक लाइन में इसका नाम लिख देंगे, एक लाइन में, और 4 अंक आपको मिल जाएंगे। देखने में बड़ा है मित्रों, सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है। अगला देखिए, 2-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र बनाना है, 4 अंक का। दीर्घोत्तरी प्रश्न देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट परीक्षण समझाइए तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र लिखिए, 6 अंक का। अथवा में देख लीजिए आगे क्या दिया गया है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, एथिल एसीटेट को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है, समीकरण लिखना है, रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। गन्ने के रस का किण्वन किया जाता है तब क्या होता है। अगला देखो, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को मिलाया जाता है तब क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो घर पर, इनको सॉल्व करना। अगला देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न, लसीका के दो कार्य लिखिए, 4 अंक का। रुधिर प्लेटलेट्स पर टिप्पणी लिखिए, 4 अंक के। वृक्क के 5 प्रमुख कार्य लिखिए, 4 अंक के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, न्यूरॉन की संरचना बताइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, 6 अंक का। अथवा मनुष्य के हृदय की बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, और यहाँ से आपका पूरा पेपर जो है खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी PDF के लिए आपको क्या करना होगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, उस पर जाएं और यहाँ पर आप जाकर के PDF डाउनलोड करें, ठीक है ना। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।